दोस्तों, आप लोगों ने हर 12 वर्ष में होने वाले कुंभ के विषय में तो जरूर सुना होगा, पर आज मैं आपको सुदूर हिमालय के बीच हर 12 वर्ष में होने वाले एक ऐसे महोत्सव के लिए लिए जा रहा हूँ जो अपनी संस्कृति, अपने पहनावे व अपनी विशिष्ट भाषा के लिए जाना जाता है। इस महोत्सव में आप एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे तो दूसरी तरफ पारंपरिक वेशभूषा से लबरेज हंसते खिलखिलाते चेहरे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिथौरागढ़ जिले से लगभग 130 किलोमीटर दूर खूबसूरत हिमालय में स्थित चौदास घाटी में बसे रंग समाज और उनके कंगडाली महोत्सव की। सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं अपने गेस्ट हाउस से निकल पड़ा इस अद्भुत उत्सव को देखने के लिए। जितना खूबसूरत ये उत्सव होने वाला था, उतना ही खूबसूरत था ये सफर। सुंदर घाटियां, बर्फीले पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते। रूम के बावला तोप पे और आज यहाँ 12 वर्ष के बाद जो कंडाली महोत्सव होता है तो उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। कुछ देर बाद कंडाली महोत्सव के लिए तमाम जो ग्रामीण जन है वो पूरे अपने रीति रिवाज के साथ कंडाली काटने के लिए जाएंगे। अभी जो प्रतिभाग करने वाली जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, वो सब अभी तैयार हो रहे हैं। तो जो अपना पारंपरिक ड्रेस है उस पर वो लोग तैयार हैं। सामने जैसे पगड़ी बनाई जा रही है और रंगा बोलते हैं, रंगा बच्चे रंगा में रहते हैं, रंगा का वस्त्र धारण करते हैं। जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब आदि कला है तो रंगा धारण किया था। इसको क्या कहते हैं वैसे? चुम्बाला। अच्छा, चुम्बाला ये है। तो अभी सारे जो यहाँ की बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और पीढ़ी है वो कंडाली को अपनी जो तलवार इन्होंने हाथ में पकड़ी, इसको रिल बोलते हैं। बोलते हैं इसको? ये है बल्द्यों। जी। ये है चंद्रहार। चंद्रहार। जी। ये है रानीहार। रानीहार। जी। ये है जिरूर। जिरूर। और ये है आपका चंपाकली। चंपाकली। ये है आपका बीरा। बीरा। और ये है आपका बाहा। बाह। और ये पूरा आभूषण चंगबाला का। चंगबाला। और ये जो लकड़ी आप तलवार रिल किसी नीचे पहने हैं, बप्च कहते हैं जूता को। अच्छा, बप्च कहते हैं। अच्छा, ये वो ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसको क्या कहते हैं? रंगा। इसको रंगा कहते हैं। सब पे पगड़ी होती है और ये आज अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में सारे जो यहाँ पे अतिथि आते हैं उनके लिए सामूहिक भोज का प्रबंध है। लोग तैयार होने लगे हैं, पुरुष रंगा और पगड़ी, और जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो चुमथाला और जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है उसको पहनकर अब सामने मंदिर में एकत्रित होने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ से सब एकत्र होकर महिलाएं इस कंडाली महोत्सव में सबसे आगे रहेंगी और वो अपने हाथ में जो लकड़ी की तलवार है जिसको रिल कहा जाता है, रिल लेकर वो कंडाली काटने के लिए जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जय रौलिया पौलिया कंडाली 2030 रौलिया पौलिया की पावन धरती ग्राम सभा रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। सामने कल्चरल प्रोग्राम और जो सामूहिक भोज है उसका यहाँ पे पंडाल लगाया गया है। इस उत्सव को जानने के लिए हमने बात की इस गांव के बुजुर्गों से। पिताजी लोगे, दादा लोगे, उसके पहले जब से सुनते आए हैं, कंडाली महोत्सव मनाते रह रहे हैं प्रत्येक बार साल में। जी। और जो है ये पहले ही कोई कहानी होगी कि कोई लेडी थी, वो उनके बच्चे को जो है कंगडाली के घास करने से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो बड़ा दुश्मन का टाइप का है,
कि इसके जहर को खत्म करना, तो प्रत्येक 12 साल में इनको मास्क करना। एक्चुअल में ये होता है ना, 12 साल में ये 12 टहनियाँ आती है। अच्छा, तो उसके बाद जो है खत्म हो जाता है। अच्छा, तो हर 12 वर्ष में ये प्रोग्राम मनाया जाता है आपके द्वारा, कि जो पहले कुंभ की तरह, बल्कि तो ये कहना है पिताजी लोग, दादाजी, उनके एंसेस्टर्स लोग की, हो सकता है वो कुंभ के से पहले का भी हो सकता है, जब से मतलब यहाँ लोग सेटल हुए तब से जो है ये कंगाली प्रत्येक 12 साल में मनाते आ रहे हैं। और ये एक मौका भी है जिसमें सभी लोग अपने गांव पड़ोस के जो इतने बाहर लोग रहते हैं, जितने भी हमारे जो है फॉरेन भी गए हुए हैं, इधर के भी है, वो लोग सब लोग आने की कोशिश करते हैं। तो सभी अपने पारंपरिक ड्रेस में तैयार हो चुके हैं और कुछ ही देर में कंडाली महोत्सव ग्राम सभा रुंग में शुरू होने जा रहा है। चूंकि रंग समाज प्रकृति पूजक समाज है, इसलिए प्राचीन परंपरा को निभाते हुए ये लोग अपने ईश्वर की पूजा सोमरस से करते हैं, जो अनाज से बनाया जाता है। सोमरस से भगवान की पूजा के साथ ही आज कंगाली महोत्सव का प्रारंभ होगा। प्रकार पुरुष और महिलाएं अपना पारंपरिक नृत्य करते हुए चल पड़े मंदिर की ओर एकत्र होने के लिए। Thank you.
मंदिर प्रांगण पर नृत्य करने के पश्चात गांववासी नृत्य करते हुए कंडाली काटने के लिए चल पड़े। तो सारे लोग अपने गाजे बाजे के साथ अपने पारंपरिक परिधान में कंडाली घास को काटने के लिए जा चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी सी कतार में पूरे गांव के लोग, उनके मित्र इष्ट मित्र सभी जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं सिरखा गांव है और जहां के लोग दूसरी जगह कंडाली काटने जा रहे हैं और वहां पे कंडाली जो घास है जो पीस 12 वर्ष में एक बार होती है जिसमें 12 गांठें होती है ऐसा बताया जाता है, उसको समूल नाश करते हुए वापस लौट आएंगे। उसके बाद यहाँ पर शाम को फिर से कल्चरल प्रोग्राम होंगे और विजय का उत्साह मनाया जाएगा। आजकल इसे ऐसे भी जोड़ा गया है कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी इसे देखा जा रहा है गांव वालों के द्वारा। और ये बड़े उत्साह का विषय है कि अपने पारंपरिक जो उत्सव है उसको मनाने के लिए भारत या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति इस गाँव का रहता है तो इस 12 वर्ष के इस प्रोग्राम में कंडाली महोत्सव में वो वापस गाँव जरूर पहुँचता है। तो कंडाली महोत्सव से ग्राम रुंग से मैं आपका अपना दगड़िया मैंने स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा आपको इस कंडाली महोत्सव के खूबसूरत दृश्यों के साथ अपनी यात्रा को यहीं भी विराम देता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए उत्सव के साथ, तब तक ले दगड़ियो भले रहिए।